और दोस्तों कैसे हैं आप सभी, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे न्यू वैकेंसी 2024 के अंतर्गत छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से निकलकर आ रही है कि फाइनली आपका RPF SI का जितने भी छात्र फॉर्म भरे थे एप्लीकेशन स्टेटस यहाँ पे जारी कर दिया गया है। जी हाँ साथियों, पहले आपका ALP का जारी किया गया, उसके बाद आपका RPF SI भर्ती का एप्लीकेशन स्टेटस अभी अभी रेलवे तरफ से जारी किया गया है। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस को चेक कर सकते हो कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि रेलवे से संबंधित A to Z इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहे। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको वहां पर भी देखने को मिलते रहते हैं। साथियों, आप रेलवे की किसी भी भर्ती एग्जाम की तैयारी करो तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए बेस्ट बुक लेके आया जो किरण पब्लिकेशन की तरफ से रिलीज किया गया। सबसे पहले मैथमेटिक्स, जो आपका रेलवे ऑल एग्जाम करके आता है, जिसमें आपका नॉन टेक्निकल, टेक्निकल ग्रुप डी, RPF SI कांस्टेबल के तमाम प्रीवियस ईयर आपका चैप्टर वाइज टाइप क्वेश्चन देखने को मिलता है। सेम इसी प्रकार आपका रेलवे रीजनिंग ऑल एग्जाम करके बुक आता है, जिसमें आपका प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर के साथ साथ 8700 से ज्यादा आपका प्रश्न जो है वो देखने को मिलते हैं। और सेम आपका रेलवे ऑल एग्जाम सामान्य जानकारी एवं सामान्य विज्ञान आता है, जिसमें आपका चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर 3790 से भी ज्यादा इसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और बेसिकली आप अगर आप RPF SI कॉन्स्टेबल को फोकस करके तैयारी कर रहे हो तो आपका किरण पब्लिकेशन की तरफ से सब इंस्पेक्टर 2018-19 में TCS बेस पर जो भी प्रीवियस ईयर आया था उसमें आपका 23 सेट इसमें देखने को मिलता है। और सेम इसी प्रकार आपका ये बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, इसमें 41 सेट है और ये बुक आपका वर्क प्रैक्टिस बुक है। ठीक है, तो इस बुक के माध्यम से आप अपना प्रिपरेशन को और अच्छे ढंग से तैयार कर सकते हो। इस बुक को खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, तो नहीं तो नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाके इस बुक को परचेस कर सकते हो। देखिए साथियों, फाइनली हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ गए हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड इंपॉर्टेंट नोटिस के टर्म में रिलीज किया गया है। आप लोग को पता है कि 4600 से ज्यादा पदों पर जो आपका RPF SI कांस्टेबल का भर्ती आया था, तो अभी सिर्फ और सिर्फ आपका RPF 1/2024 जिसमें SI का था, सिर्फ अभी उन्हीं का एप्लीकेशन स्टेटस यहां पे रेलवे की तरफ से जारी किया गया है कि आपका फॉर्म प्रोविजनली एक्सेप्ट हुआ है या फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है तो आपको कोई भी दोबारा अवसर रेलवे नहीं देगी। रिजेक्ट मतलब कहानी खत्म हो गया RPF से आपका। ठीक है, तो यहां पे आपका बोला जा रहा है कि वाइट्स ये नंबर RPF 1/2024 इशू ऑन 15/4/2024 एप्लीकेशन वेयर इनवाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ RPF सब इंस्पेक्टर द स्क्रूटनी ऑफ द एप्लीकेशन हैव been completed and candidate now view a status of their application under provisionally accepted or provisionally accepted with condition and rejected along with reason for rejection। तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है, रिजेक्ट हुआ है या कुछ कंडीशन के साथ एक्सेप्ट किया गया, इसको लेकर यहाँ पे रेलवे ने अपडेट दे दिया है। अभी RPF SI का है, कुछ टाइम बाद आपका कॉन्स्टेबल का भी जारी कर दिया जाएगा। SMS एंड ईमेल विल बी सेंड टू द कैंडिडेट रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल ID। जिसका भी फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या फिर जिसका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, रेलवे की तरफ से SMS और मेल के माध्यम से उनको सूचित कर दिया गया है। वाइल एवरी केयर हैज बीन टेकन इन प्रिपेयरिंग द लिस्ट ऑफ प्रोविजनल एलिजिबल कैंडिडेट RRB रिजर्व टू राइट। तो यही भी बोला गया कि अगर उसमें कुछ मिस्टेक होता है तो उसमें रेलवे के पास ये अधिकार है कि उसमें फेरबदल किया जा सकता है। कैंडिडेचर ऑफ ऑल एक्सेप्टेड कैंडिडेट प्रोविजनली एक्सेप्टेड कंडीशनली एक्सेप्टेड इज प्योरली प्रोविजनल एंड हिज हर कैंडिडेचर इज लेबल टू बी कैंसल्ड एट एनी स्टेज ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। अगर मान लीजिए इन भविष्य में कोई भी आपका यहाँ पे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में अगर कुछ भी आपका तरफ से संदेह पाया जाता है तो आपका कैंडिडेचर को रेलवे रद्द कर सकता है। कैंडिडेट आर एडवाइज टू रेफर ओनली द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ RRB लेटेस्ट अपडेट। तो रेलवे का लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आपको रेलवे को ऑफिशियल साइट पर ही जाना है और ये आपका हेल्प डेस्क है जहाँ से आप कोई भी इंफॉर्मेशन आपका RPF भर्ती से ले सकते हो और RPF का सिर्फ SI भर्ती से। आप समझ लीजिए साथियों कि आपका एप्लीकेशन स्टेटस यहां पे जारी हो गया है। इसका मतलब यह है कि आपका एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग काम चल रहा है। सबसे पहले आपका ALP का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, असिस्टेंट लोको पायलट का, और दूसरा नंबर में आपका RPF का एग्जाम होगा, यह कंफर्म हो गया है। ठीक है, तो इसी
प्रक्रिया को मद्देनजर आप लोग अपना प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए, अपने प्रिपरेशन पे फोकस करिए। 30/9/2024 आज ही के डेट में ये लेटेस्ट अपडेट जो है चेयरपर्सन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है। ये नोटिस हम ऑलरेडी आपको टेलीग्राम में भी दे दिए हैं। और आपको कैसे चेक करना है तो देखिए, यहाँ पे आपको ऑफिशियली रेलवे का लिंक है www.rrbapply.gov.in, यहाँ पे आपको जाना है। और यहाँ पे जाने के बाद आपको अपना लॉग इन करना है, लॉग इन आईडी पासवर्ड डाल के लॉग इन करना है। वहां पे आपको बता दिया जाएगा कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या फिर आपका रिजेक्ट हुआ है या फिर कुछ कंडीशन के साथ आपका फॉर्म एक्सेप्ट किया गया है। बहुत सारे छात्रों का एसएमएस भी आया है, बहुत सारे छात्रों का मेल भी आया है, जो बहुत सारे छात्र शेयर भी किए हैं, और बहुत सारे छात्रों का यहाँ पे फॉर्म भी रिजेक्ट हुआ है। और सबसे ज्यादा जो फॉर्म रिजेक्ट का कारण है वो आपका फोटो, ठीक है, फोटो और सिग्नेचर के ही कारण बहुत सारे छात्रों का फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है। तो इस बात पे आप चाहे जो भी भर्ती का फॉर्म भर रहे हो, चाहे आपका एनटीपीसी हो या फिर आने वाला टाइम में ग्रुप डी होगा, तो इन सभी बातों का आप लोग साथियों ध्यान रखिएगा। अगर ध्यान नहीं रखिएगा तो फिर आने वाले टाइम में आपका भी फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।